राम लाल भगवान की जय। योग योगेश्वर अनंत श्री चरणों की महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ग्मूलम् अदाशाखम् अश्वत्थप्राव्युरभयम् छन्दासि यशपर्णानि यस्तम्भेद स वेदवित् अहदश्च ऊर्गम् प्रस्तस्तस्य शाखा गुणप्रबद्धा गुणप्रबद्धा विषय प्रवाला अधसमूलानि अनसन्ततानि कर्मान् वन्देन मनुष्यलोके तरूपमसि तथोपलभ्यते नान्तो नादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं शिविरोणमूलम् अशङ्गशिष्टेन्दुलेन चित्वा तथा पदं तति परमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यदा प्रवृत्ता प्रस्ता पुराणि निर्मान्य मोहाचित्सङ्गदोष अध्यात्मनित्याभिनिवृत्ति काम द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःख सञ्जयि गच्छन्ति मूढा पदमभयं तत् न तद्वास्ते सूर्यो न शशाङ्को न पाविका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसे जीवलोके जीवभूता सनातना मना श्रेष्ठानीन्द्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शारीरं यदि आप्नोति यच्च उत्क्रमन्तीश्वरः गृहीत्वेतानि संयात् वायुर्गन्धानि वाष्यात् श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रश्नं घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनस्सायं विषयानुपसेवते उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानान् पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगनशैनं पश्यन्त्यात्मन्यव्यवस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैवं पश्यन्ति चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगत् भाष्यते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामिकं गामाविश्व च भूतानि धारयामोजसा पुष्पाणि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैशानरो भूत्वा प्राणीनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्यं चतुर्विधं सर्वशां वेदे सन्निवेष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहिनं च वेदैश्च सर्वदै मे वेदो वेदान्तिकृतवेदविदेव चाहं द्वामनो पुरुषे लोके चरसच्छरेव च चरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अच्छरुच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वनन्या परमात्मेतुदाहृता युर्लोकतयमाविश्ये विवर्तव्यायीसुरा यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अथवशि लोके वेदे च प्रता पुरुषोत्तमा यो मामेवम् अशम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् सा सर्विद्भजत मां सर्वभावेन भारत इति गुहितमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नगा एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत ओं तस्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय संपूर्णम। हरि ओम तस्यत हरि ओम तस्यत श्री सद्गुरुदेवाय अर्पणम नमो नमः श्री सद्गुरुदेवाय अर्पणम नमो नमः। ओम का चरण करें थोड़ा करते रहें जिससे सबके मन सत्संग के लिए तैयार हो जाएं। सत्संग के लिए मन का अंतर्मुख होना बहुत जरूरी है।
तब सत्संग होता, नहीं तो असत का संग होता। सत्संग का अर्थ ही है सत का संग। सत कौन? सत सिद्ध परमात्मा है। परमात्मा का साथ ही सत्संग होता है। सताम महताम जनानाम सत्संगा सत्संगा, या तो महापुरुषों के सानिध्य में। तो जितनी देर आप बैठे उतने समय प्रभु जी से जुड़े रहें, तब सत्संग होगा। और वो हो नहीं सकता जब तक मन बहिर्मुखी होता है, तब तक जुड़ता नहीं। से ओम का उच्चारण करते रहे। सद्गुरु चंद्र सद्गुरु चंद्र मोहन वंदना श्री सिद्ध योग मार्तंड पीठ प्रभु रामलाल धाम की जय। सच्चे दरबार की जय। मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं। मधुवन की काली घटाओं में गुरुदेव
उनके सिरे पे मुकुट तिरछे हैं खरे गुरुदेव, उनके सिरे पे मुकुट तिरछा, अधरों पे लिए मुरली गुरुदेव तुम्हें देखूं, अधरों पे लिए मुरली गुरुदेव तुम्हें देखूं, मधुवन की लताओं में गुरुदेव तुम्हें देखूं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जहां परम सिद्ध श्री महाप्रभु का रहता सदा बसेरा, वह गुरु धाम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ परम सिद्ध श्री महाप्रभु का रहता सदा बसेरा, वह गुरु धाम है मेरा, वह गुरु धाम है मेरा। जहाँ परम सिद्ध श्री महाप्रभु का रहता सदा बसेरा, वह गुरु धाम है मेरा, वह गुरु धाम है मेरा। जय सिद्ध गुफा जय गुरु धाम, जय सिद्ध गुफा जय गुरु धाम। यहाँ करके श्री महाप्रभु ने सिद्ध गुफा बनवाई, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, जिसमें निवास कर इस मिट्टी को अमृत तुल्य बनाया, अमृत तुल्य बनाया। जिसके सेवन से मिट जाता है महाकाल का घेरा, वह गुरु धाम है मेरा, वह गुरु धाम है मेरा। जय सिद्ध गुफा जय गुरु धाम, जय सिद्ध गुफा जय गुरु धाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो, ना मैं धर्मी।
को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं कहता। भगवान की जय। करता करे न करे सकी, सतगुरु करे सो होवे। सात द्वीप नव खंड में, सतगुरु से बड़ा न कोई है। सारी तीर्थ धामी आपके चरणों में है, परिणाम गुरुदेवी आपके चरणों में है। सारी तीर्थ धामी आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणामी आपके चरणों में। हृदय में है माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ सारिदा माता है, कंठ सारिदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में है माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ सारिदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणामी आपके चरणों में, हे सारी तीर्थ धामी आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणामी आपके चरणों में। ज्ञान जो इनका धरते है, भविष्य वो ही तरते है। सबका हित ये करते हैं, मूर्खता पल में हरते हैं। कृपा से इनकी दुख सारा रवाना हो गया, कृपा से इनकी दुख सारा रवाना हो गया। दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया, आकर गुरु के द्वार में गुरु का हो गया। आकर गुरु के द्वार में गुरु का हो गया, दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया। सबसे हितकारी है आशुतोष त्रिपुरारी है, सबके ये हितकारी है आशुतोष त्रिपुरारी है। सबके मंगलकारी है पाप पुंज बेहारी है, पाकर इनको जीवन ये सुहाना हो गया, पाकर इनको जीवन ये सुहाना हो गया। दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया,
आकर गुरु के द्वार में गुरु का हो गया, दर्शन कर गुरुदेव के दीवाना हो गया। श्री सद्गुरु परब्रह्मे नमः। श्री सद्गुरु परब्रह्मे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मे तस्मै श्रीगुरु। अज्ञान तिम्रान दशे ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलेन तमेन तस्मै श्रीगुरु। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री। ध्यान मूलं गुरो मूर्ति, पूजा मूलं गुरो पदं, मंत्र मूलं गुरो वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरो कृपा। मम नाथ श्री जगन्नाथौ, मम गुरु त्रिय जगद्गुरु, मम आत्मा शरणात्मा ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तम द्वंद्वातीतम गगन सदस्यम तत्तमस्सार एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा शाचिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्भूतम आनंदमान आनंदकरम प्रसन्नम
ज्ञान स्वरूपम निज बोध रूपम योगींद्र मीठम भरोगेतम श्रीमधुरम नित्यम नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यम बोधम चिदानंदम श्री गुरुब्रह्म नमः श्री गुरु गुरुर्देवो गुरुर्धर्मा गुरुर्निष्ठा परंतपा गुरुपरतरं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने सच्चिदानंद रूपाय व्यापने परमात्मने नमः श्री गुरुनाथाय हया विद्या ग्रंथे अनेक जन्म संप्राप्तम कर्म वंद विधायने स्वात्म ज्ञान प्रदाने तस्मै श्री गुरुदेव चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम विन्दुनाथ कलातीतम तस्मै श्री सच्चिदानंद रूपाय व्यापने परमात्मने नमः श्री गुरुनाथाय हे नाथाय अविद्या ग्रंथ संसार सागर समुद्र केण मंत्रम ब्रह्मादि देव पूजित सिद्ध मंत्रम दारिद्र दुख भय विनाश मंत्रम वंदे महाभैरम गुरुराज मंत्रम वंदे महाभैरम गुरुराज मंत्रम वंदे यशे प्रसादात पतिता शिपावना भवंती संसार श्रुतारणा शिवा योगीश्वरानाम परमेश्वरम हरिम श्री रामलाल प्रभु मीशमाश हरि रामलाल प्रभु मीशमाश प्रभु चंद्र मोहन प्रभु मीशमाश श्री सद्गुरुवर प्रभु मीशमाश सभी बच्चों ने अपनी भजन सुंदर भजन सुनाए। भजनों से हमारे मन में शतगुण का उदय होता है। शतगुण का सत के उदय से आनंद प्रकाश और ज्ञान, इसीलिए सत्संग के हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़ी महिमा है। सत माने परमात्मा, संग माने संग परमात्मा का संग हो जाए, जिस विधि से भी वही सत्संग होता है। इसलिए इस बात पे प्रमुख ध्यान देना है हमें कि भजन के साथ भाव भी, तो भजन से शतोगुण का उदय होता है, शतोगुण विचार बनते हैं। जैसी हम विचार बनाते हैं अपने, उसी प्रकार से हमारी प्रवृत्ति बनती है, और प्रवृत्ति से ही बुद्धि कार्य करती है। बुद्धि जो है प्रवृत्ति से ही कार्य करती है। जैसी प्रवृत्ति होगी वैसी बुद्धि कार्य करती रहती है। जब तक बुद्धि की हमें समझ ना आ जाए तो हम सतोगुण बुद्धि हो जाएगी। तो सतोगुण बुद्धि कैसी हो जाती है? सतोगुण बुद्धि धर्म को धारण करने वाली हो जाती है। वो जानती है सतगुरु बुद्धि कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, जो सत्य है जो रित है जो धर्म है जो शाश्वत है उसको धारण करने वाली बनेगी। अभी क्या है जो नश्वर है जो असत्य है जो नाश धर्म है उसको धारण कर रही है। तो प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्य अकार्य भया बहे, और जो प्रवृत्ति को जानती है कि किस तरफ हमें जाना है, जिस तरफ जाने से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, उन्हीं वृत्तियों का अनुसरण करती है। और निवृत्ति का मतलब ही होता, प्रवृत्ति और निवृत्ति का तो वैसे ऐसे अर्थ लेते हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। जो श्रेय कौन सा मार्ग है? श्रेय मार्ग है परमात्मा की ओर जाने वाला। प्रेय मार्ग जो प्रीत कर लगे, मन को प्रीत कर लगे। मन को प्रीत कर तो बहुत सारी चीजें ऐसी लगती जो परम अधर्मी होती हैं। तो बात ये नहीं है कि हमारे मन को क्या अच्छा लगता, बात यह है कि वो परमात्मा का जो तत्व है वो किस बुद्धि में प्रकाशित होगा, वो धर्म संगत। धर्म का अर्थ है रित्यम धारते इत धर्मा, जो सत्य को धारण करे वही धर्म है। तो इसलिए जो बुद्धि धर्म को धारण करती है
वो बुद्धि सात्विकी है। तो भजन आदि से जो है सत्वगुण विचार होने चाहिए। इसलिए हमारे कहने का आशय यहाँ पर ये है, इतना है सिर्फ कि जो गाय वो उस भाव से भर के गाए और साथ में डूब के गाए, उस परमात्मा के लिए गाए, तो निश्चित ही खुद का मन तो होता ही है अंतर्मुख और आनंद आता है, औरों का भी मन आनंद में डूब जाता है। और आनंद में जब बुद्धि डूब भी रहती है तो वो अधर्म के कार्य अकार्य उसे ये भी पता पड़ता है क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। अन्यथा तो बुद्धि क्या करती है, या सपनम भयम शोकम, जो दुख है शोक है उन्हीं का मनन करती रहती, उन्हीं का चिंतन करती रही। धर्मम अधर्मम इति मन्यते, ये तमसा व्रत है, जो तमस लोग होते हैं वो तो अधर्म को ही धर्म मान लेते, उसी का चिंतन करते हैं। तो ऐसी राजसी तामसी और सात्विक तीन प्रकार की हमारी बुद्धियां भगवान ने योगेश्वर कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कही है। जो सात्विक है वो प्रवृत्ति को जानती है, निवृत्ति को जानती है, कार्य को जानती है, अकार्य को जानती है, कर्तव्य को जानती है, कर्तव्य को जानती है, और भया अभय, अभय कैसे हो जाए, भय कैसे होता है। तो इन सब बातों को धारण करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें एक महत्वपूर्ण होता है सत्संग, भजन का, भजन करना। तो भजन इस समय भजन का मतलब बात इतना ही नहीं है कि केवल आप ये जो भजन गा रहे हैं ये भजन, भजन का मतलब होता है भजता से बनी है, जिसका मतलब ममता से रहित होना, मोह से रहित होना, वो भजन है। जिस कार्य से, जिस साधना से, जिस मंत्र के जप से, जिस ध्यान से मन का की आसक्ति विषय पदार्थों से हट जाए, वह भजन होता है, उसे भजन कहते हैं। मात्र इसका नहीं नाम है कि हम सब कोई भजन हमने लिया और उसको गाया और उसको समझ लिया कि हमने भजन कर लिया। तो भजन से हमारा आशय यही है कि हम जिससे अंतर्मुख हो जाएं, हम ध्यान में डूब जाएं और ध्यान में ही डूब करके उस परमात्मा का संस्पर्श कर लेते, परमात्मा को चाहे वो नेत्रों से देखें, दिव्य नेत्रों से, उस किसी ना किसी, चाहे किसी अपनी दिव्य चक्षु से देखें या दिव्य स्पर्श से अनुभव करें, अपने सूक्ष्माति सूक्ष्म इंद्रियात अतीत आनंद को अनुभव करें, तो वो भजन होगा। तो भजन, चूंकि हमको तो ये लंबा कार्यक्रम लग रहा है और चूंकि सुबह से हो जाता है 3 बजे से, तो हमारे लिए बड़ा लंबा कार्यक्रम होता है, तो हम थोड़ी बात इसीलिए कह रहे हैं इस विषय में। वैसे अच्छा तो लगता है लेकिन चूंकि बहुत लंबा हो रहा है तो उसमें भजन के विषय में थोड़ा सा 3-4 भजन ही लिए जाए और तब बोलने का रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो हमको फिर राह नहीं मिलती है कि किधर से शुरू करें बात, क्योंकि बात को अपने आयाम में पहुंचने में, अपने मुख्य बिंदु पे पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। शुरू में तो थोड़ा इधर उधर की बात से शुरुआत होती है, फिर जब तक वो अपनी आती है सबके मन एकाग्र होते हैं और उसमें जाकर के वो उस बिंदु पे आ जाता है कि जहाँ पे कुछ चीजें ऊपर से आकर के और निश्चित हो हमारे द्वारा, तो वो चीज आने में थोड़ा समय लगता है। चूंकि हमको लगता है समय हो गया तो हम उस हिसाब से फिर हम व्यक्त नहीं कर पाते अपने उस व्यक्ति को, क्योंकि अव्यक्त को व्यक्त करना बड़ा कठिन कार्य है और ये सत्ता व्यक्त होते भी अव्यक्त ही है। सब पूर्वे साम अपी ना काल ना अवच्छेदात, मतलब वो सत्ता है ब्रह्म जी जिसको काल भी किस उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, काल उसे कुछ नहीं कर सकते, काल के परे है सत्ता। समयातीत सत्ता है, गुणातीत सत्ता है, देशातीत सत्ता है, वो किसी देश काल में बद्ध नहीं है। इसलिए उस सत्ता तक पहुंचने के लिए थोड़ी एकाग्रता, थोड़ा इस तरीके से माहौल होना बहुत आवश्यक हो जाता है।
तो हम चाहेंगे कि अगले सत्संग में थोड़ा सा इस तरीके का थोड़ा जल्दी कर ले, उन बच्चों को ज्यादा दे दिया जाए, जो नए बच्चे हैं वो अपने भजनों को जरूर कर दे, ताकि उनके उनको हम सुन लें। लंबे समय से हम सुन नहीं पाए हैं ना देख पाए हैं उनको, तो उनको भी लगता है गुरुदेव हमारे हमारे को देखें, और हर एक को लगता है ये बात तो बिल्कुल सुनिश्चित है, क्योंकि तो जिसने गुरु से प्रेम किया है वो जानता है कि क्या होता है। तो हमको लगता है कि ऐसे ही मतलब कार्यक्रम तो देखिए कितना समय चलता है, क्या ईश्वर की इच्छा है, क्या प्रभु जी की मर्जी है, तो क्योंकि समय का तो अभी कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगले संडे से कुछ यहीं पर किया जाए, देखेंगे अभी क्या किया जा सकता है, अभी उस विषय पे हम सुनिश्चित नहीं है। तो लेकिन हम ये चाहेंगे, आज आपने पढ़ी भी होगी, तो अपनी बुद्धि को शतोगुणी बनाएं सभी लोग, और शतोगुणी में साधना करने से ही शतोगुणी होगी। शतोगुणी के उद्रेक से आपके अंदर आनंद अपने आप आ जाएगा। जब आनंद आ जाता है तो जो विषय वासना की मांग है ये अपने आप गिरने लगती है, ये स्वाभाविक नियम है सृष्टि का। इसीलिए तो बारंबार धर्म महापुरुष और सारे धर्मशास्त्र एक ही बात कहते हैं कि ईश्वर उपासना करें, प्रभु की उपासना करें। हम नाना रूपों में प्रभु की उपासना करते हैं, हमारे सारा साल ऐसा होता है कि हम ईश्वर उपासना करते रहें। जैसे श्रावण मास चल रहा तो श्रावण में शिव जी की उपासना करें, फिर भादो में कृष्ण की उपासना हो गई, फिर कुंवर में शक्ति की उपासना हो गई, फिर अगन में फिर ऐसी सबसे सुंदर महीना है साधना के लिए। तो इस तरीके से पूरे साल हमारा ऐसे भारतीय मांग में ऐसा प्रावधान है कि पूरे साल हम साधना के लिए उपयुक्त समय और उपयुक्त माहौल पाते हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। तो इतनी हमारी संस्कृत में इतना ज्यादा कहना चाहिए कि स्वतंत्रता है, वो है लचीलापन है, ये हर एक के लिए रास्ता है, हर एक के लिए वो है, हर एक के लिए मार्ग है। लेकिन हमको सिर्फ ऐसा करना है कि सारी ऊर्जा को एकाग्र करना है। यद्यपि देखो संसार में पांच तरीके के प्राणी होते हैं, जिनकी चित्त जो चित्त होता हमारा मन बुद्धि मान लो चित्त को, तो पांच तरीके के मन बुद्धि के लोग होते हैं। उनको दो चित्त का मतलब होता है जहां जाकर के हमारी चेतना चीजों को स्टोर करती है, वो चित्त होता है। तो हमारे सबके चित्त चार पांच प्रकार के हैं, योग दर्शन के अंदर की बात हम कह रहे हैं कि चार पांच प्रकार की चित्त भूमियों के लोग इस संसार में पाए जाते हैं, वो किसी ना किसी भूमि के अंदर। तो पहला जो है वो मूढ़ावस्था के प्राणी है, दूसरा जो है क्षिप्तावस्था के प्राणी है, तीसरा विक्षिप्तावस्था के प्राणी है, चौथा एकाग्रावस्था के प्राणी है, और पांचवा जो है वो निरुद्धावस्था के प्राणी है। इस पांच प्रकार के प्राणी होते हैं किसी न किसी श्रेणी में, और ऐसा भी नहीं होता कि एक व्यक्ति एक विशेष श्रेणी में, कभी कभी पांचों भूमियां ही हमारे जीवन में या हमारे दिनचर्या में रोज के भी जीवन में मूढ़ावस्था भी आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता कि ये एक हाँ ये है कि व्यक्ति विशेष थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे कोई शतोगुणी होता है जिसके अंदर जिसकी प्रकृति में शांत है, वो प्रकृति से शांत है, वो श्रृंखल नहीं है, चंचलता कम है, मन अंतर्मुखी रहता है, ईश्वर ध्यान भजन करता है, तो स्वभाव से ही सतोगुण है, एकाग्र अवस्था है उसकी, विक्षिप्ता अवस्था है। तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल ही मन नहीं लगता, वो बैठ ही नहीं सकते, वो सुन ही नहीं सकते ये सब बातें, वो कहते मेरे सिर के ऊपर चला जाता है। ऐसे बहुत से लोग हमने स्वयं अपने आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं आपकी बात ऊपर चली जाती है, सिर के ऊपर से निकल जाती है। तो जिनको जो बिल्कुल ही रजोगुणी के हैं, क्षिप्तावस्था के हैं या मूढ़ावस्था के प्राणी, मूढ़ावस्था के प्राणी तो आएंगे ही नहीं, किसी कभी कदाचित आ गए किसी संस्कार को, कि संस्कार बदलता रहता है, कभी शतोगुण आया तो आ जाते हैं, लेकिन वो ठहर नहीं पाते हैं, वो कुछ दिन आते हैं चले जाते हैं। लेकिन
तो रजोगुण के होते हैं उनको बात कभी अच्छी लगी कभी नहीं अच्छी लगती है, जैसी मना स्थिति होती है वैसी उनको बात लगती। तो छिपता अवस्था के प्राणी तो सांसारिक उसमें क्रियाकलाप में तो बहुत रहते हैं, उनको जितना भी धार्मिक भी काम करा लो तो भी कर देते हैं उसके मतलब ऐसा, लेकिन उसमें उनका मान प्रशंसा अहंकार ठीक होती होनी चाहिए, तब तक वो करवा देंगे काम आपका। कोई बस केवल उनको कोई ना कोई तमगा जरूर मिलने चाहिए, उनके अहंकार की पूर्ति जरूर होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति सांसारिक कार्यों में बड़े ही कुशल होते हैं और बाकी उनके स्वभाव में सारी संसार की जो क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया कि यह धर्म भयम स्वप्नम सुखम, जो स्वप्न में और इसी में सब काल्पनिक जगत में ज्यादा कल्पनाएं ज्यादा करता रहता है, सुख में ज्यादा रहता है, दुख में ज्यादा रहता है। कुछ लोग तो स्वभाव ही बना लेते हैं अपना, हर बात में दुखी रहते, किसी बात में सुखी रहते ही नहीं, ऐसे लोग तो रजोगुणी कहलाते हैं। कि जिनका स्वभाव ही है हर बात में कमी निकालना, हर बात में खुश नहीं रहना, हर बात में बस इसी तरीके की कल्पनाएं करते रहना, आया था प्रजानाति राजसी बुद्धि राजसी है, जो इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं है, जो यथार्थ नहीं जानती, यथार्थ चीजों को नहीं कर पाती है, वह राजसी होती है। और जो बंधम मोक्षम ये सब बंध को जानती है, मोक्ष को जानती है, प्रवृत्ति को जानती है, निवृत्ति को जानती है, कार्य को जानती है, कर्तव्य को जानती है, अकर्तव्य को जानती है, भय को जानती है कि किन चीजों से भय होना चाहिए, क्योंकि भय होना भी जरूरी है। अगर हम अधर्म से भय नहीं करेंगे, दुष्कर्मों से भय नहीं करेंगे, शुद्ध आचरण नहीं करेंगे से हमारा वो नहीं होगा, हम दुराचरण से नहीं भय रखेंगे तो हम दुराचारी हो जाएंगे, फिर हम तामसी हो जाएंगे। तो हमको अपनी बुद्धि में स्थिरता लाने के लिए, रजोगुण तमोगुण शांत करने के लिए, शतगुण विचारों को बढ़ाने के लिए सत्संग करना है, उसी के लिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग संग ग्रंथों के माध्यम से भी होता है, ग्रंथ गीता शास्त्र स्वाध्याय करने से भी होता है, गुरु मंत्र का जप करने से भी सत्संग हो जाता है, और भजन आदि का वो करने से। और सबसे बड़ा सत्संग जो होता है, सताम महताम जनानाम संगा ससत्संग, जो महापुरुष के सानिध्य में रहने से सत्संग होता है। महापुरुष जो होते हैं उनके पास में रहने से ही उनकी हर क्रिया से शक्तिपात होता है, वो देख ले तो शक्तिपात होता है, वो छू ले तो शक्तिपात होता है, जो वो स्पर्श कर ले उनके आशीर्वाद से शक्तिपात होता है, उनके हर समय उनके शरीर से विकरण होता रहता है। श्री तो कहते देख के आनंद आ जाता है, क्यों आनंद आ जाता है, क्योंकि वो आनंद के वो है, विकरण केंद्र है, वहां से आनंद की रेज या किरणें विकरित हो रही है, इसलिए वहाँ आनंद आता है उनको। वो स्पर्श कर लेते हैं तो पूरा शरीर एक अजीब उल्लास आनंद से भर जाता है, वो स्पर्श कर ले तो एकदम ऊर्जा शक्ति कुंडली महाशक्ति उत्थित हो जाती है। तो ये जो महापुरुष का सत्संग है वास्तव में वही सत्संग। और भगवान कृष्ण ने भी भागवत में एक बात कही है कि मुझे ना तो ये सत्कर्म प्रभावित करते हैं, ना मुझे योगी प्रभावित करते। कोई अगर प्राणायाम आसन आदि करता रहे तो ये मात्र इसके करने से नहीं परमात्मा खुश होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, वो श्लोक तो हमें इस समय नहीं पूरा स्मरण में आ रहा है, तो लेकिन उन्होंने कहा ना रोधियत न पूता न दक्षिणा, इस तरीके से है, और ना मुझे दान दक्षिणा, जैसे दक्षिणा वो ये होते ना परोपकार के काम, कुआं बावड़ी आदि बनवाना, ना मुझे व्रत आदि वो करते हैं प्रसन्न, इस तरीके से ना मुझे दान पुण्य आदि, इस तरीके से मुझे तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ मैं अवश्य अवश्य जाता हूँ। एक है कि मद भक्ता यत गायंती तत् तिष्ठति नारद, नाम है वैकुंठे ना ही योगिनी नाम हृदय चा, मैं केवल वैकुंठ में ही नहीं वास करता हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी वास करता हूँ, और इसके अलावा मैं वहाँ वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त जन संकीर्तन के द्वारा एक प्राण होकर के मेरा आह्वान करते हैं, मुझे पुकारते हैं, ईश्वर को प्रणाम को
परमात्मा को पुकारना चाहिए, सत्संग में ये भाव होना चाहिए कि ईश्वर को पुकार रहे। हमारा ऐसा ही आज कहने का आशय है कि हृदय की व्याकुलता के साथ भजनों का वो होना चाहिए, आपके हृदय से निश्चित होना चाहिए भाव के साथ में, तो और आनंद आएगा और वस्तुता सत्संग हो जाएगा। ऑनलाइन पे थोड़ी सी तो दिख रही हमको कि उतना आनंद नहीं आता है, तो गुड़ी बनाए और इस समय साधना करें। साधना सावन का महीना चल रहा है, तो प्रभु जी ही शिव है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, और नहीं तो शिव जी के कोई द्वैत्य नहीं, कोई द्वंद नहीं, यहाँ पे कोई भी द्वंद नहीं है, क्योंकि वो तो अद्वैत है, अद्वैत मतलब एक ही तत्व सब जगह व्याप्त है। तो इसलिए चाहे जैसे मनुष्य जी की आराधना करो, किसी भी तरीके से शिव पुराण पढ़ो, इस तरीके से करने से जिस माह में जो कुछ होता है उस तरीके से करने से स्वाध्याय इष्ट देवता सब प्रयोग, इससे क्या होता है इष्ट लोग आकर के देवता लोग आकर के हमें दर्शन देते हैं, दर्शन से हमारे जो कार्य हमारे सांसारिक भी कार्य होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जिनकी हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं पुरुषार्थ से, तो कई बार वो कार्य भी हो जाते हैं और उसकी वजह से हम साधना में भी नहीं बढ़ पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसे बाधाएं आती हैं जो साधना में बढ़ पाते हैं, तो वो कार्य आप केवल अपना कार्य करते रहिए, गुरुमंत्र का जाप करते रहिए, गुरुमंत्र के जाप मात्र से साधना करने से एक मंत्र का, क्योंकि अभी देखो हम वहाँ थे और वहाँ से हम उधर से इधर आ गए क्षिप्तावस्था प्राणी के, तो क्षिप्तावस्था के प्राणी तो रजोगुणी होते हैं पूरे, मूढ़ावस्था के पूरे तमोगुणी होते हैं, वो बिल्कुल पशुवत होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन विक्षिप्तावस्था के जो प्राणी होते हैं और वह थोड़े थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण देवी देवताओं की खूब उपासना करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं और उनका थोड़ा थोड़ा मन भी ईश्वर की तरफ झुकने लगता है, लेकिन फिर भी शतोगुण के होते हुए भी अभी उनका मन एकाग्र नहीं होता है, वो बहिर्मुखता में रहते हैं। धार्मिक तो हो जाते हैं, अब वो अपने को धार्मिक कार्यों में ही मंदिर में इसमें आदि में ही संलग्न करके और समझते हैं कि मैं धार्मिक व्यक्ति हो गया हूँ, कि कोई पूजा कर रहा किसी देवता की तो वो समझता मैं धार्मिक। धार्मिक का अर्थ है मात्र इतना ही नहीं, धार्मिकता का अर्थ तो बहुत व्यापक है, और व्यापक उसमें कहा जाए तो धर्म तो वही है जो आपको सत्य और सत्य में प्रवेश कर दे, एक तत्व से एकाकार हो जाए, एकात्मकता हो जाए ईश्वर के साथ आपकी, तब धर्म है, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है, बाकी तो ये सब सापेक्ष रिलेटिव तो है। अब जैसे यहाँ हमारे यहाँ देवी देवता हैं, अन्य देशों में तो नहीं है, जब नहीं है तो इसका मतलब वो एक देशी हुआ कि नहीं, एक पक्षी हुआ, हमारा पक्ष हुआ केवल। तो ऐसे ही हमको विचारशील और चिंतन से और ध्यान से ये सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि वस्तुतः धर्म क्या है, योग क्या। योग का मतलब है कि यहाँ जो प्रकृति पुरुष और परमात्मा तृप्ति है वह एक हो जाए। अब हमें ये जरूरत नहीं है कि हम व्रत करें या उपासना करें या नहीं, एक करने को हम सब करेंगे, लेकिन एक बात हम जो सिद्धांत की है वो कह रहे हैं कि आवश्यक नहीं, क्योंकि हम उसी एक में बैठे हुए हैं, तो हमारा एकांत भी हो गया, हमारा व्रत भी हो गया, क्योंकि इन्हीं सब के लिए तो व्रत उपवास और साधनाएं की जा रही हैं कि हम उस एक तत्व में स्थित हो जाएं, एकत्व में स्थित हो जाएं, उस परमात्मा में स्थित हो जाएं, उस परमात्मा से एक हो जाएं, हमारा जो मैं है जीवात्मा परमात्मा से एक हो जाए। आत्मा परमात्मा का मिलन ही तो योग है, बिंदु का सिंधु में मिलन ही योग है। तो ये अगर घट गया है तो ये योग के द्वारा घटता है, तो योग के जो होता है वो चौथा चरण वाले तरीके के प्राणी होते हैं, चौथे प्रकार के जो एकाग्र अवस्था, योग में आने से हमारा मन एकाग्र होने लगता है। जब हम योग के विद्यार्थी बनेंगे तो, क्योंकि मन की एकाग्रता ही योग की कुंजी है, वर्णाक्षरीय, जैसे एबीसीडी पढ़ते हैं हम वर्णाक्षरीय आ आ बड़ा छोटा, तो वो बड़ा अच्छा, जिसे हम बड़े बड़े सेंटेंस बना लेते हैं, फिर हम पूरा
भाव जान लेते, फिर हम शब्दार्थ अर्थार्थ गुणार्थ सब समझ लेते हैं। ऐसे ही हम योग की जब में प्रवेश करते हैं तो विक्षिप्त अवस्था में हम धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, ना कि हम धार्मिक होते हैं, और हम एकाग्र नहीं होते हैं। हमारे नाना प्रकार की पूजाएं होती हैं, नाना प्रकार के देवता होते हैं, नाना प्रकार के हमारे विधि विधान होते हैं, कामनाएं होती हैं, नाना प्रकार के हमारे अहंकार के अपने अपने प्रकार, अहंकार के बहुत सारी वो होती हैं, क्या कहें, अहंकार नाना रूपों में कार्य करता हमारा, कि मैं ऐसा मैं वैसा, मुझे ये करना है, मुझे मंदिर बनवाना है, मुझे मुझे बावड़ी बनाना है, कुआं बनाना है, मुझे ये हवन कराना है, यज्ञ कराना है। तो ये अच्छी है, अभी हमने कहा ना कि ये बुद्धि अच्छे को धारण करने लगती है। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सांसारिक परिवेश में देखा जाए तो शतगुण ही सर्वोत्तम बुद्धि है, क्योंकि वो सात्विक व्यक्ति को बनाती है, सज्जन बनाती है, धार्मिक बनाती है। लेकिन वस्तुता जो योग में जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक धर्म का नहीं हो सकता, वो एक पक्षी रहेगा, एक देशी धर्म रहेगा। सर्वोच्च जो धर्म का शिखर है वो एकत्व में है, परमात्मा में, जहाँ अव्यक्त में है, वो अद्वैत में है, योग में है। तो वो हमारी बात कहने तो एक जो योग के विद्यार्थी हैं उन्हें एक सब जगह से अपना समेट करके एक बिंदु पे अपना ध्यान लाना होगा, और एक एक देवता, एक एक जगह, एक एक वस्त्र और एक आसन, इस तरीके से कुछ साधना के नियमों को रखेंगे तो उनकी एकाग्रता जल्दी बनेगी। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान का श्री वचन है कि एक समय एक आसन, और अपने गुरुदेव अपने इष्ट को रोज नियमित समय में उसी स्थान पे बार बार 2 घंटे बैठ के जप करोगे मंत्र को, तो निश्चित ही तुम्हारी एकाग्रता बन जाएगी, और एकाग्रता बन जाने के बाद जो तुम्हें आनंद आएगा उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है शब्दों में। वो तो अनुभव करने के बाद सब चीजें जो बहिर्मुखता की है वो अपने आप से तुमसे दूर होती जाएगी। ईश्वर का जो शुद्ध स्वरूप है, जो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप है, उसमें तुम अपने आप प्रवेश पाते जाओगे। जितना प्रवेश पाते जाओगे, कोई तुम्हारा कोई गुरु बाहर से बोले या ना बोले, तुम अंदर से ही तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ गुरु तत्व वो जागृत हो जाता है, और वो प्रभु जी अंदर से ही बोलने लगते हैं, अंदर योग योग का उपाध्याय बन जाता है, मास्टर बन जाता है। और ये तो रही योग के प्रवेश करने की बात, और योग की परिणति होती निरुद्धावस्था के प्राणी में, जब सारे संस्कारों का निरुद्धावस्था में हो जाते हैं, सारी वृत्तियां समूल नितराम निरोध हो जाती हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जब चित्त वृत्ति का समूल उन्मूलन हो जाता है तब हम योगी बन जाते हैं। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि सभी बच्चे योगी बने, प्रभु जी का यही आशीर्वाद है, उन्हीं के और ईश्वर कृष्ण के खारबिन से निकले तपस्वी भी हो अधिको योगी, ज्ञानेभ्यो मतो अधिका, कर्मेभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवा अर्जुन। और योगी नाम सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान वस्ते माम साते युक्तमा मतः। तो अगर मान लो तुम नहीं उस तरीके से तपस्वी हो, उस तरीके से नहीं कुछ कर पाते हो कि बहुत योगी, बहुत ध्यान आना समाधि, तो ये भी कह दिया। वैसे तो योगी सबसे बड़ा है, तो क्योंकि योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तपस्वी क्या होता, तप का अहंकार होता है, ज्ञानी को क्या होता, ज्ञान का अहंकार होता, उसका अहंकार ही है, तो वो अभी प्रकृति के दायरे से बाहर नहीं गया। कर्मभ्य जो कर्म कांड करने वाले हैं वो कर्म के दायरे में है, तो इसलिए वो अभी प्रकृति के दायरे में नहीं है। जब तक प्रकृति पुरुष में, पुरुष और प्रकृति दोनों की साम्यावस्था होकर के, दोनों और परमात्मा तीनों की एकीकरण नहीं हो जाएगा, एकीकृत नहीं हो जाएंगे, तीनों एक नहीं हो जाएंगे, तब तक योग नहीं घटित होता। योगी का मतलब है जहाँ प्रकृति उस परमात्मा एकत्व में आ गए हैं, तीनों एक हो गया है, योगी ही अहम ब्रह्माष्टमि अहम आत्मा, इस तरीके का उसके अंदर अपने आप ज्ञान हो जाता है।
तो अगर ये भी ना हो पाए, इतनी साधना ना हो पाए ध्यान धारणा की, तो और ये कैसे करनी है? जितना भी करोगे, जो भी करोगे, ध्यान करते हो, जो भी जितना भी उपाय कर रहे हैं हम, जितना उपाय प्रत्येक ले रहे हैं अवलंबन, या प्रभु जी की कृपा का अवलंबन मात्र है। कुछ बच्चे तो बस प्रभु जी करेंगे, प्रभु जी करेंगे, ऐसा नहीं होता। प्रभु जी तुम्हारे क्या क्या काम कर देते हैं। रोटी खानी होती तो तुम्हें अपना हाथ उठाना पड़ता कि नहीं उठाना पड़ता। बहुत से बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो कुछ ऐसे गलत धारणाएं बना लेते हैं कि, और उस पर ध्यान नहीं देते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कार्य अकार्य में वो सोचते प्रभु जी जाने, प्रभु जी नहीं जानेंगे। कार्य आकार में आपको आपकी सात्विक बुद्धि ही वो करेगी, नहीं तो आप गड्ढे में गिरेंगे। ईश्वर सर्व सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन, ब्राह्मण सर्व सर्व भूतानि यंतारुणान मायया। ईश्वर तो सबके हृदय में बैठा है, लेकिन वो किसी के कर्मों के अनुसार उसको नहीं पाप पुण्य दंड नहीं देता, ना दंड देता, ना किसी को पुरस्कार देता। वो तो जिसका जैसा कर्म हो गया है वैसा ही वो उसको वो काल चक्र में चढ़ा हुआ, यंत्र पे चढ़ा हुआ है, और सबको अपने कर्मानुसार फल मिल रहा है। इसलिए ये मत सोचे इसका मतलब कृपा नहीं होती है। हम स्पष्ट कर दें, बहुत से बच्चे इस धोखे में रहते हैं और वो इस बात को नहीं विचार करते हैं कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, और गड्ढे में गिर जाते हैं कई बार। तो बुद्धि राजसी तामसी पे विशेष ध्यान दीजिए, और सात्विक की बुद्धि बनाइए, प्रवृत्ति अप्रवृत्ति जानिए किस मार्ग पे चलना चाहिए। अधर्म पे मार्ग पे करोगे कहोगे प्रभु जी कृपा कर देंगे, और अभी आज तक हम सभी अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, सांसारिक विषय वासनाओं में लगे हुए, कमाने धमाने में लगे हैं, और कहते प्रभु जी कृपा नहीं करते। प्रभु जी कैसे कृपा कर दें? प्रभु जी की तरफ जाने के लिए क्या तुम्हारे मन में संकल्प है? कोई संकल्प है तो निश्चित ही प्रभु जी की कृपा अपार है, इसमें कोई दोरा नहीं। तुम एक कदम चलोगे उधर 10 कदम तुम्हारी तरफ आते हैं, लेकिन तुम्हारे सबके संकल्प में अभी शतोगुण तो उदय ही नहीं हो रहा है। शतोगुण तो उदय हो, कम से कम ये हो जाए कि ये जीवन नाशवान है और समय जा रहा है, समय जाया जा रहा है, और हम कहाँ फंसे हुए, और इसको छोड़ करके 2 घंटे भी सुबह से लगाएं और शाम को 1 घंटा लगाएं, कम से कम 2-3 घंटे भी अपना समय दें, तो निश्चित ही सद्बुद्धि में परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन आने से ही सब काम करोगे, बाकी हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा कि ये करना चाहिए ये नहीं। योग में जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे एकाग्र होगे तो फोकस पड़ेगा अपने आप, और बुद्धि में सारा प्रकाश आएगा, बुद्धि प्रकाश वाली हो जाएगी, तो अपने आप सब जानती है फिर यथा, वो तो जैसा जानती है यथा जानने लगती। बंधन बंधे क्या, बंधन क्या है, मोक्ष क्या, ज्ञान अपने आप निश्चित होने लगता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग शतोगुण विचारी के बने। जो हम पोस्ट भेजते हैं उस पोस्ट में मात्र प्रणाम करना नहीं पर्याप्त होता है, उस पोस्ट को 2-3 बार पढ़ें, पढ़ते पढ़ते रात में विश्राम में जाएं, स्वाध्याय करते करते, हम कहते हैं स्वाध्याय करें और योग निंद्रा करें, उस पोस्ट को पढ़ते पढ़ते ही स्वाध्याय करते करते ही आप योग निद्रा के माध्यम से उसी बात का चिंतन करते हुए, श्वास प्रश्वास गुरु मंत्र का जाप करते हुए अपने विश्राम में जाएं, और ताकि रात भर वृत्ति कम से कम बन सके। दिन में तो आप रहते ही रहते हैं रजोगुण तमोगुणी से भरे, उस पे भी परिवर्तन अपने आप आएगा। अगर वृत्ति रात में ही थोड़ी सी बदली, रात में ही मन शांत रहा, तो सुबह चित्त पर जरूर ध्यान में लगेगा, बैठोगे तो ध्यान में लगेगा। जब ध्यान का आनंद आ जाता, ध्यान का नशा किसी को हो जाता, तो फिर तो कहने ही क्या है उसके, फिर तो उसको बिना कहे वो सोचता है, जैसे शराबी को शराब और बीड़ी सिगरेट पीने वालों को अपने आप नशा के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है, वैसे ध्यानी लोगों को भी कहना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही अंतर्मुख रहने का अपने आप समय खोजते हैं कि कैसे भीड़ कम हो, कैसे भीड़ से बचे, कैसे हम उसमें डूबे आनंद में। तो इस प्रकार से हम आज बार बार फिर से पुनः दोहरा दें कि आप सत्वगुण बुद्धि बनाइए, चित्त को अपने एकाग्रा अवस्था लाने का प्रयास कीजिए। बाहर बहिर्मुखी प्रवाह से प्रभु जी अंतर को देहो जोड़, नाशवान संसार के चित्त को देहो मोर, बहिर्मुखी प्रवाह से प्रभु जी अंतर को देहो जोड़। ध्यान से प्रार्थना किया करें, ध्यान से भाव से किया करें, ताकि कुछ तो एक आध शब्द आपके चित्त में
जाके अंकुरण कर दे पैदा, ऐसा हम हार्दिक इच्छा करते हैं आप लोगों से कि अंकुरण हो जाए, अपने आप संसार की ओर से आपका बहाव अंतर जगत की ओर हो जाए। अंतर जगत आपका बहुत ऐश्वर्यशाली है, इतना ऐश्वर्यशाली है, भू भुवा श्वा जना तपा महा सत्य, कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, फिर कितने सूक्ष्म देवता हैं जो सब मनुष्यों से कितने ऊपर हैं, दिव्य हैं, वो हमारे जैसे शरीर नहीं रखते हैं लेकिन उनकी ताकत देखो कितनी बड़ी है कि देवता जो चाहे वो वरदान दे दें। तो ये सब देखना होगा, इतने मनुष्य नम इतना ही वो नहीं है, सस्ता नहीं है, दुर्लभ है मनुष्य नम। यम यम स्मरण भावम तजतियंते कलेवरम तम तम प्रीतिभाव सदा सद्भाव भाविता। तो जो जो हम चिंतन करते वही तो हम बनते जाएंगे और अंत समय में वही चिंतन बनेगा जो पूरे जीवन में किया है। इसलिए पूरे जीवन को बनाने के लिए अभी जो कर रहे हो, इस समय कर रहे हैं हम, जो इस समय चिंतन कर रहे हैं वही हमारा अंत समय होगा। हाँ कहते जो जो गति होती है अंत मति, वही अंत समय की मति का बनेगी। ये नहीं होगा कि हम नारायण नारायण कहते रहे, लास्ट में दो बार नारायण बोला जा मिलने और उस आ गए वहाँ वैकुंठ से दूत लेने, ऐसा सब नहीं संभव है। ये सब कथाएं सही ढंग से हम नहीं पढ़ते हैं, तथ्य से नहीं पढ़ते हैं, पूरा उसके निचोड़ से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए सुनते नहीं है ढंग से। नहीं तो ऐसा किसी भी कथा में, चाहे वो भागवत हो, पुराण हो या वेद हो, कहीं कुछ इस तरीके का नहीं लिखा कि आप बस ऐसा करेंगे और ऐसा हो जाएगा। नहीं, उसके लिए एक लंबा समय दीर्घकालीन अभ्यास की जरूरत होती है, साधना किया अभ्यास की जरूरत होती है, तब देवता प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं तो हमारे सारे पार्ट स्वस्थ रहते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं, आप पूरे आपके मन की शक्तियां ही देवता हैं। आप ध्यान में बैठ करके ध्याइए ना, इसको ध्यान उध्याइए और ध्यान करिए प्रभु जी का, देखिए आपको समझ देवता प्रसन्न रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हा? एक साधे सब सदे, तो करके देख लीजिए। अगर नहीं होता तो फिर आप नाना प्रकार की साधनाएं करते रहिए, करने की आदत ही पड़ी है, इसलिए बहिर्मुखी प्रवाह में तो ये चले गए। तो बहिर्मुखी प्रवाह से अंतर को जरूर लाएं, एकाग्रता अवस्था में लाएं अपने मन को, इधर उधर की बातों में ज्यादा ना एकांतवास करें। इतना प्रभु जी ने सुंदर समय दिया कोरोना का, अब इसमें भी ना कर सके तो भाई दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य यही हो रहा कि हम स्वस्थ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि हम स्वस्थ हो जाएं, और वो स्वस्थ की चिंता के मारे हो जा रहे हैं। या स्वप्नम भयम सुखम, तो उसमें तो परेशान हो रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। जो सोचना चाहिए वो सोच नहीं रहे कि चलो इस बहाने संसर्ग दोष से भी छूटे हैं, बहुत लोगों के संसर्ग में भी नहीं आना पड़ रहा है, समय भी काफी मिल रहा है, तो समय का भी पूरा सदुपयोग कर सकते हैं। तो नहीं तो इतना शादी ब्याह क्या जाना जिसके जाना, आज ये खाना वो खाना, पता पड़ा बाजार का तमाम सारी आला बला, तो चित्त को तो वैसे चंचल कर देती है, चित्त एकाग्र रह ही नहीं सकता है। तो ये तो बहुत सुंदर साधकों के लिए समय है और सभी के लिए समय है, तो कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है, अच्छा बुरा सिखाता है। और देखो जिसकी ये नहीं कह रहे हैं हम कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये ऐसा नहीं हमारा कहने का आशय है। तो हमारी तो ये सब प्रकृति में तो संतुलन बना ही रहता, अच्छा बुरे का चलता रहता है। ये सचेत करती है प्रकृति, हमें सचेत करती है, नियमन करने को बल देती है, ये व्यवस्था करती है कि हम समझे कि हमने अगर इस समय देखो ये कोरोना में जो भी बॉडी जो भी शरीर कमजोर होंगे, जिनका जिनको दुरुस्त नहीं होंगे, उन पे ही ज्यादा अटैक है और उन पे ही। तो इस अभी से कम इतना तो पाठ हम सीख ही सकते हैं इससे कि शरीर को स्वस्थ रखना है, ताकि आगे समय में भी न जाने जितना हम पढ़े लिख गए उतनी ही हम न जाने कितनी सूक्ष्म चीजें तैयार करेंगे हम। तो सूक्ष्म चीजों की लड़ाइयाँ सूक्ष्म तरीके से ही होंगे, आपको सूक्ष्म की वो पता नहीं है कि सूक्ष्म का कैसा है आक्रमण होता है, सोच में किस तरीके। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सब लोग योगी भी बने, और हमारी बात तो नहीं हो पा रही है अभी भी पूरी, लेकिन अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और बचे हैं सबसे प्रणाम ताप संस्कार दुखी गुण विरोधस्य दुख में सर्व विवेकना।
इस संसार में सभी दुख स्वरूप है एक परमात्मा के सिवा, इसलिए प्रभु जी की शरण में आ जाओ, पूर्ण रूपेण आ जाओ, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। सर भाव से आ जाओ, ये मत चिंता करो कि इसके बनने से ये होगा, सभी भावों को अपने वहां से हटा करके, सारे धर्मों को वहां पे से हटा के एक धर्म है ईश्वर की शरणागति, क्योंकि ईश्वर की शरणागति ही परम शांतिम शाश्वतम, जो शाश्वत शांति है परम शांति है उसकी प्राप्ति कराती है। साथ हम अपनी वाणी को श्री चरणों में विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, पराशिव प्रभु लाल भगवान की जय, योग योगेश्वर आनंद श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सिद्ध गोपाल श्री सिद्ध योग मातन सच्चे दरबार की हरेण्यं सुरेशं रमेशं खंड में सदगुरु से बड़ा न को करता करे न कर सके आदि प्रभु कर्णाय तन्नो विनो वारं वारं पति पति गति श्री गंडारं
गतिमति केतो मधिपति आये परम प्रभु श्री राम लाल गोपति नरपति पैद गति श्री देवी राम जी की लाल गतिमति केतो मधिपति आये श्री गुरु राम बुद्धि शरण को लीजे नाथ बुद्धि निष्पति को भगवान की राम लाल भगवान की दरबार की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बोलिए सत्संग भगवान भगवान की आज के आनंद की जय गुरुदेव नमो सद्गुरुदेव नमो प्रभुदेव नमो 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 गुरुदेव नमो सद्गुरुदेव नमो प्रभुदेव नमो 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 शील क्षमा दया गुण सागर जामे रूप अपार सभी देव दर पर रहे बारम्बा सभी देव दर पर रहे सुबिन बहु बारम्बा बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की पराशर प्रभु राम लाल भगवान की योग योगेश्वर श्री जनमोहन जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की श्री सिद्ध योग मारतंड पीठ प्रभु राम लाल धाम की सच्चे दरबार की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।